गाइस वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आज मैं हूँ गांव में, जो पिछली बार वीडियो मैंने डाली थी वो इसी गांव की डाली थी, तो लेकिन वो चलते चलते मैंने एज ए ट्रेवलिंग डाली थी, तो आज मैं यहीं पे हूँ और पूरे दिन आज यहीं रहूँगा। और यहाँ का व्यू मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, पूरी विलेज लाइफ कैसी होती है। तो आज मैं पूरे दिन आपको यहाँ का व्यू दिखाऊँगा। यहाँ का पूरा माहौल एज ए वाइल्ड लाइफ जैसा है। यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे जीव देखने को मिल जाएंगे, और जहाँ आप शहरों में जाएंगे तो कौवा है, गौरैया है, देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर ये छोटे छोटे जीव अभी भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मैं तो इसको एज ए दिल्ली की हिडन साइड कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो रहन सहन है वो एकदम गाँव जैसा है। और मेरे सामने इस समय एक खेत है, और मैं इस चारपाई पे लेटा हुआ हूँ, और मेरे ऊपर एक बहुत ही घना पेड़ है जिसकी छांव में मैं लेटा हुआ हूँ। जिन मित्रों को लगता है कि दिल्ली से एकदम बोर हो गए हैं क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, वो इस साइड पे आ सकते हैं, घूम सकते हैं और प्राकृतिक नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं। और मेरे सामने आप लोग देखिए, एक बहुत बड़ा खेत है, शायद इसमें अभी जुताई हो रही है। और यहाँ पर कई सारी सुंदर साइटें हैं, जैसे ये पार्क बना है, इसको काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया गया है, ताकि यहाँ पर आकर आप लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत ही शांत वातावरण है, और ये पूरा माहौल चिड़ियों की चहचहाट से गूंज उठता है। ख़ासकर यहाँ पर इसकी वजह ये भी है कि यहाँ पर पेड़ काफ़ी हैं शहर की अपेक्षा। बस शहर से इसकी दूरी मुश्किल से 2 ही किलोमीटर होगी, और आप आ सकते हैं और एक शांति भरा एहसास यहाँ से ले जाएंगे। इस समय मेरे सामने जो ये खेत आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने एक किसान भाई से बात की तो उन्होंने बताया कि इसमें मूली लगी हुई है काफ़ी बड़े एरिया में। यहाँ पर अधिकतर लोग सब्जी का काम करते हैं, क्योंकि वो तत्काल की फसल होती है, और यहाँ पर दिल्ली में जो सब्जियाँ जाती हैं उसकी खपत पूरी करता है यही। मेरे सामने इस समय एक छोटा सा तालाब है, जिसमें लोगों से पता चला है कि यहाँ पर मछली पालन होता है। यहाँ आप लोग मेरे सामने देख ही रहे होंगे, चारों तरफ हरा भरा एक माहौल है। यहाँ पर पैदल चलते चलते मुझे एक जगह पे ये इंजन चलता हुआ दिखाई दिया, जिससे यहाँ पर लोग सिंचाई काम करते हैं, तो मैंने भी जाके इसमें पानी पिया। दिल्ली की अपेक्षा जो शहरों में समर है उनमें जो पानी निकलता है, उनकी अपेक्षा यहाँ पर काफ़ी पानी की क्वालिटी ठीक थी। फिर मैं निकल पड़ा खेतों की ओर, और आप लोग मेरे सामने देख ही रहे हैं कि खेतों की ओर से गांव के जो रास्ते हैं वो कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर पक्के रास्ते नहीं हैं, जैसे गांव में कच्ची सड़कें होती हैं अंदर, वैसे ही अभी भी यहाँ पे कच्ची ही सड़कें हैं और पक्की नहीं हैं। यहाँ पर आपको कौवा देखने को मिल जाएगा। आप शहरों में जाएंगे, मैंने बहुत जगह पे देखा है कि कौवे ख़त्म से हो गए हैं, लेकिन आप अगर यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पर कुछ लोग तो ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पारंपरिक बैलों से ही खेती बाड़ी करते हैं। मुझे जो यहाँ का सबसे सुंदर साइट लगा है वो एक फार्म है, आप लोग देखिए काफ़ी बड़ा फार्म है, चारों तरफ से पेड़ लगे हुए हैं और बीच में घास का मैदान है, और बाँस के भी कुछ पेड़ हैं काफ़ी घने, और यहाँ पर छांव भी बहुत सुंदर रहती है। पूरा सुकून का एहसास होता है यहाँ पर आके, जैसे लगता है कि मैं अपने गांव में ही आ गया हूँ। और यहाँ से आप अगर जूम करके देखेंगे जहाँ पे लोग रहते हैं, तो कुछ ऐसा भी नज़र आएगा। और ये व्यू है यहाँ के अंदर का, जहाँ पे लोग झुग्गी बनाकर रहते हैं, वहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। मैंने तो यहाँ पे अपनी सारी कोशिशें की हुई हैं कि आपको यहाँ का सारा व्यू दिखा सकूं, और आप मेरे सामने देख रहे हैं एक भाई शायद खेत में दवाई का छिड़काव कर रहा है।
पशु पक्षियों की यहाँ भरमार है। कुल मिलाकर साइट बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर खेतों में कुछ लोग कैंप वगैरह या झुग्गी बना के रहते हैं और यहीं पे खेती बाड़ी भी करते हैं, यहाँ पर रहते भी हैं, दोनों काम एक साथ इनका हो जाता है। आपको इन रास्तों को देखकर गांव की याद ज़रूर आ रही होगी। ये रहा फार्म यहाँ का, जो लकड़ी से बना हुआ है। किनारे किनारे फूल भी लगे हुए हैं। पूरी शांति रहती है वैसे तो दिन भर यहाँ पर, मुझे लगता है ऐसे शांति के लिए बनाया भी गया है। और उस फार्म के जस्ट सामने का व्यू कुछ ऐसा है। अभी कुछ नए नए पेड़ भी यहाँ पे लगाए गए हैं, जब ये तैयार होंगे तो बहुत सुंदर नज़र आएंगे। और फार्म में भी अभी काम चल ही रहा है। आप मेरे राइट हैंड पे देखे होंगे कि बांस की कुछ झोपड़ी जैसे ये बन रही हैं। जब ये बनकर तैयार हो जाएंगे तो ये फार्म और भी सुंदर लगेगा। फार्म के किनारे किनारे ऐसे ऊंचे ऊंचे ये सफ़ेदा के पेड़ हैं, जो इस फार्म की सुंदरता में चार चांद लगा दे रहे हैं। और इसके उस पार तो वैसे ही खेती बाड़ी होती है। और थोड़ी देर आप देखेंगे कि ये तालाब है, इस तालाब में मछली पालन का काम किया जाता है। अभी खादर में जो बाढ़ आई थी, ये खाली क्षेत्र था तो यहाँ पे पानी भर गया है और लोग यहाँ पे खेती बाड़ी करने लगे हैं। फिलहाल अब शाम का समय हो चुका है, सूरज भी डूबने ही वाला है, तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप लोग बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा रहा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना एंड लाइक करना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट एक्सप्लोरर ब्लॉग फिर।